तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक ऐसा फोन है जिसे देखने के बाद आप बोलोगे सैमसंग क्या कर रहे हैं यार तू, मतलब सेम कैटेगरी का फोन सैमसंग भी बनाता है। और हमने इससे पहले सेम कैटेगरी का फोन भी ट्राई करा था इस कंपनी का, और उसे चेक करने के बाद लगा कि सैमसंग से काफी बेहतर है। तो ये है ओप्पो का नया फ्लिप फोन जो कि लॉन्च होने से पहले आपके भाई ने मंगा लिया है, और हमें बड़ी चुलती से मंगाने की। और इसके पीछे एक रीजन और है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक मिलता है जिसकी वजह से हमसे रुका नहीं गया, तो हमने मंगा लिया। अब यहाँ पर बॉक्स पे देखो ओप्पो फाइंड एन टू फ्लिप इसका नाम लिखा है, लेकिन नीचे की तरफ कुछ ओप्पो की तरफ से पहली बार देखने के लिए मिल रहा है ओप्पो और हेजलब्लैड। तो यहाँ पर भैया बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, तो देखते कितना बर्बाद करा है हेजलब्लैड ने इसे। तो अनबॉक्स कर लेते हैं। ओ ओ भाई, डब्बा ऊपर की तरफ उठ के आता है। यहाँ देख रहे हो क्या ही शाही पैकिंग दी गई है, सैमसंग तो पतला सा डब्बा दे देता है। खैर मजाक की बात एक तरफ, यहाँ पर फोन पे चलें। ओ भाई साहब, फोन की इन हैंड फील लग रही है वाकई में कुछ है। मतलब यार मैंने फ्लिप फोन यूज करा है सैमसंग का, और उससे ना यहाँ पर जो फिनिशिंग है मेरे को ज्यादा बेटर लग रही है। और रीजन ये जिस वजह से हमने फोन मंगाया, इसकी बड़ी डिस्प्ले, यहाँ पर जो कवर डिस्प्ले मिलती है 3.26 इंच का ओलेड पैनल है, तो यहाँ पे मैं इसे एक्साइटेड हूँ कि कितना ये काम में आने वाला है। बाकी फिनिशिंग वाइज तो भाई ये सैमसंग कंपेरिजन ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है इस फिनिशिंग की वजह से। बाकी साइड का फ्रेम इसका मेटल का दिया, एल्युमिनियम है डेफिनेटली, और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है सैमसंग वाला ही। बाकी फ्रंट में डिस्प्ले दी गई है, अभी हमने ऑन कर लिया, इस पे बाद में चलेंगे जब तक ये थोड़ा सा ऐसे सांस ले लेगा। हम बॉक्स में देखते हैं क्या रखा है। बॉक्स के अंदर अभी भी चार्जर मिलता है, सैमसंग की राह पर नहीं चले। और ये है 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर, हालांकि फोन 44 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो ओप्पो भैया आपके ऊपर मेहरबान है, कम वोल्ट देने के बाद भी चार्जर ज्यादा वोल्ट के दे रहा है। नाइस। बाकी यहाँ पर USB टू टाइप सी केबल है, अभी टाइप सी टू टाइप सी तो होनी चाहिए थी, ये हमारी शिकायत है। बाकी यहाँ पर आहा केस मिलता है। ओ भाई केस की क्वालिटी देख रहे हो, डांडिया खेल सकते हो इससे। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट की बातें हो गई, अब सीधा फोन पे चलते हैं। हम सर हाँ नहीं जा रहा। और सबसे पहले फोन खोल देना, एक चीज ने खुश कर दिया भाई दिल, जैसे कि ओप्पो के फोल्ड ने करा था। इसका वॉलपेपर देखो, जैसे आप फोल्ड करोगे ना डिस्प्ले, ओ हो पंखड़ियां भाई आप शर्मा जाती हैं और ऐसे फड़फड़ाती हैं। और यहाँ पर जब आप बंद कर दोगे तो कवर डिस्प्ले में देखना, वाह क्या एनिमेशन मिलती है, मतलब सारे पैसे इसके हैं। लेकिन जैसे मेरे को लगा था कि आप पूरे फोन को ना इसकी कवर डिस्प्ले से यूज कर सकते हो, जैसे कि फोल्ड फोन के अंदर की जाती है। मतलब फ्लिप फोन के अंदर एक दिक्कत होती है, आपको बार बार फोन को अनफोल्ड और फोल्ड करना पड़ता है कॉल या मैसेज करने के लिए। और जनरली हमने जितने भी अभी तक फ्लिप फोन देखे ना सैमसंग की तरफ से, भाई उनमें छोटी कवर डिस्प्ले मिलती है जिसमें सिर्फ कॉल रिसीव कर सकते हो, मैसेज देख सकते हो। तो मुझे लग रहा था यहाँ पर ओप्पो ने बड़ी कवर डिस्प्ले दी है, तो यहीं से आप कॉल वगैरह भी मिला सकते हो। लेकिन भाई ओप्पो ने जो इसकी इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल भी काम की नहीं करी है। सैमसंग कंपैरिजन में इसकी जो कवर डिस्प्ले ना लगभग दुगने साइज की है, उसके बाद भी इससे सिर्फ आप कॉल रिसीव कर सकते हो या मैसेज देख सकते हो, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। यहाँ पर जो एनिमेशन है ना, ये भाई सजावट के लिए लगा के दिया इन्होंने। जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। और सैमसंग का फ्लिप फोन नाम ने यूट्यूब पर टैग कर दिया है, प्रोडक्ट व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। और ये जो बाहर इतनी बड़ी कवर डिस्प्ले दी है ना, जैसे आप इसमें स्क्रॉल अप करोगे तो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, ऊपर की तरफ से करोगे तो कंट्रोल सेंटर, इधर से आप इसके फीचर्स को कुछ यूज कर सकते हो। तो इतनी बड़ी डिस्प्ले के अंदर भी वही चीजें मिलती है जो कि सैमसंग अपनी छोटी डिस्प्ले के अंदर दे रहा है, तो इतनी बड़ी डिस्प्ले का जो यूज है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करा है ओप्पो ने। बट इसकी बड़ी कवर डिस्प्ले को आप कैसे यूज कर सकते हो सैमसंग कंपैरिजन में? भाई सैमसंग में छोटी कवर डिस्प्ले मिलती है, जब आप उसमें कैमरा यूज करते हो तो छोटे में दिखता है, लेकिन यहाँ पर दिखता है भाई बड़ी डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और इससे हमने ना वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। और ये फायदा है फ्लिप फोन होने का, मतलब आप इसके बैक कैमरे से ना खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसकी जो बड़ी सी फ्रंट में कवर डिस्प्ले दी है ना, इसमें सारी चीजें दिख जाती हैं। बाकी इसमें 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और मेरे को अभी ना नॉर्मल वॉक पे भी साइड साइड में काफी जिटरिंग मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ओप्पो को स्टेबिलाईजेशन पर काम करने की जरूरत है। अब इसमें 50 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, और ऊपर से भैया हेजलब्लैड की ब्रांडिंग भी है। तो जैसे OnePlus को बर्बाद किया था, इसको भी समझ जाओ वैसी बर्बाद करा। हमने जितनी भी फोटो क्लिक करी बहुत ज्यादा गोरा कर रहा है, कलर्स मेरे को काम के नहीं लगे। और हमने ना मेन कैमरा को यूज करके सेल्फी भी ली है, भाई कवर डिस्प्ले ऑब्वियसली यहाँ पर काम आने वाली है, तो भाई मेरे को लगा एज डिटेक्शन उतना फाइन नहीं है। और ऑल ओवर जो कैमराज है, मैं सीधा बताऊं तो सैमसंग कंपैरिजन में काफी नीचे है। बट एक बात अच्छी लगी, लाइक फ्रंट में ना यहाँ पर 32 MP का कैमरा दिया गया है, जिसका फायदा ये है आप इसको यूज करके अल्ट्रा वाइड में फोटो क्लिक कर सकते हो, 1x में भी कर सकते हो, 2x डिजिटल में भी कर सकते हो। इसके बाद भी मेरे को क्लियरिटी ठीक लगी, और यहाँ पर भाई मैंने 32 MP से फोटो भी क्लिक करें, यहां पर आप रिजल्ट देख सकते हो। तो ऑल ओवर भाई कैमरा इस फोन के बिल्कुल डब्बा हैं, जिस प्राइस पर ये फोन आने वाला है 80,000 से तो नीचे आएगा नहीं, और हेजलब्लैड ने इसका भी सत्यानाश कर दिया है। अब पूरी वीडियो के अंदर हम बाहर वाली डिस्प्ले की बात नहीं करने वाले, अंदर वाली की भी करेंगे। इसमें भाई 6.8 इंच का पैनल मिलता है, और भाई उससे पहले जो भाई हिंज की स्मूथनेस है, ओहो मतलब एक तो इसे आप किसी भी एंगल पे ऐसे होल्ड कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर भैया जो हिंज है इतने पे जाने के बाद ना आराम से चली जाती है पीछे। और इसमें कमाल की बात बताऊं, इतनी मैंने जो क्रीज है ना किसी भी फ्लिप के अंदर नहीं देखी, ना के बराबर है, और
सबसे सही चीज ये है, जब आप इसे बंद करते हो तो बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाता है। इसमें रबर पैडिंग दी गई है अंदर की तरफ, ये रही रबर पैडिंग, जिसकी वजह से जब आप इसे बंद करते हो तो क्लोजली पैक हो जाती है। सैमसंग में अभी तक ये चीज नहीं मिलती, और सैमसंग का जो फोल्ड है ना वो वी शेप में होता है, ये यू शेप में होता है, और यू शेप में होने की वजह से और ये रबर पैडिंग होने की वजह से जब आप इसे पॉकेट में रखते हो या ऐसे लेकर खड़े हो यार दोस्तों के बीच में, तो इसके बीच में डस्ट पार्टिकल नहीं जाते। सैमसंग में गैप होने की वजह से जब आप फ्लिप को पॉकेट में रखते हो तो उसमें बहुत डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, तो यहाँ पर भाई उसे साफ करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ पर भाई सही दिमाग लगाया OnePlus ने। मैंने OnePlus बोल दिया, मैं तो दोनों भाई भाई कंपनी। खैर अभी ये जो 6.8 इंच का पैनल है ना सैमसंग कंपैरिजन में, ये बेटर इस वजह से है भाई, एक तो यहाँ पर जो विड्थ है ना इसकी वो बिल्कुल जब अनफोल्ड हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल फोन की तरह लगता है। सैमसंग की विड्थ थोड़ी कम है जिसकी वजह से बहुत पतला सा फोन लगता है और लंबा सा, बट यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट साइज दिया है। और इसी तरीके से मेरे को इनका फोल्ड फोन भी काफी सही लगा था, छोटा होने के बाद भी मस्त एक्सपीरियंस दे रहा था। अब यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्प्ले LTPO पैनल है फुल HD प्लस, और भाई आपको पता होगा फ्लिप फोन पर ग्लासेस नहीं लग सकते, यहाँ पर भी प्लास्टिक की फिल्म दी है, और प्लास्टिक की दिक्कत यह है कि उस पर ना बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आता है। सैमसंग के फ्लिप और फोल्ड फोन के साथ बहुत दिक्कत है, लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर इसका भी निवारण निकाल लिया, इस पे एंटी ग्लेयर कोटिंग है। अभी मैं दिखाता हूँ स्टूडियो लाइट के अंदर, देखिए हल्का हल्का पिंकिश इफेक्ट दिख रहा है। अगर इसके ऊपर एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं होती तो ये बहुत ज्यादा ब्लोन आउट हो जाता और आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो ये चीज आई थिंक सैमसंग भी इंक्लूड कर देगा अपने फोल्ड फ्लिप फोन के अंदर, बट अभी जो इसके अंदर मिलता है ना भाई काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। और यहाँ पर डिस्प्ले के कलर्स देख सकते हो भाई कितने अच्छे से कैलिब्रेटेड है, और अभी ये कॉन्टेंट है HDR में स्ट्रीम हो रहा है, बाकी पंचोल की एडवांटेज ये होती है भाई गायब सही हो जाता है कंटेंट देखते हुए। और इस डिस्प्ले के अंदर जो कलर्स हैं मेरे को ठीक लगे, एक्सपीरियंस बढ़िया है। बाकी इस डिस्प्ले की बात बताऊं भाई, ये है LTPO पैनल, अगर आप कोई फोटो देख रहे हो तो ये 1 Hz में स्विच हो जाएगा, अगर आप इसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो 120 Hz में परफॉर्म करता है, तो इसकी डिस्प्ले बैटरी कंजप्शन कम करती है। बाकी 120 Hz मस्त चल रहा है, और कलर OS की जो एनिमेशन है इसे और भी नेक्स्ट लेवल ले जाती है। मतलब कलर OS, ऑक्सीजन OS और रियलमी OS, इन सबकी एनिमेशन कितनी ज्यादा स्मूथ है भाई, एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लगता है। बाकी जो हैप्टिक इंटीग्रेशन है यहाँ पर भी नेक्स्ट लेवल है, वॉल्यूम कम करते हुए ज्यादा करते हुए ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हुए जो हैप्टिक मोटर है बहुत सॉलिड यूज करी है इस फोन के अंदर भी। अब इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 9000 प्लस प्रोसेसर दिया है, और इससे पहले हमने ये प्रोसेसर भाई यूज किया है, हमने इसे कंपेयर किया था दूसरे फ्लैगशिप प्रोसेसर से, एंड भाई इसकी जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो कंसिस्टेंसी है ना दूसरे प्रोसेसर इसके आसपास भी नहीं दे, बस इस प्रोसेसर में दिक्कत थी एक हीटिंग वाली, बट इस फोन के अंदर मेरे को ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है नॉर्मल यूजेज हैवी यूजेज। बाकी अगर आप गेमिंग के लिए जानना चाहते हो तो भाई मैं फोल्ड और फ्लिप फोन को कभी गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता, रीजन है भाई डिस्प्ले पे अच्छी प्रोटेक्शन होती नहीं है, नखून वगैरह लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, और 80,000 के फोन में 50,000 की तो डिस्प्ले का खर्चा आ जाता है। तो डेफिनेटली ये फ्लिप फोन या फोल्ड फोन भाई गेमिंग के लिए तो नहीं बने होते, बट हाँ जो इसके अंदर पावर मिलती है वो आपकी मल्टीटास्किंग हैवी टास्किंग को आराम से हैंडल कर सकती है। अब इस फोन में ना एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, क्या ये फोन IP रेटिंग के साथ आता है, तो देखो GSM Arena वगैरह जैसी साइट पे लिखा है IPX4 रेटिंग के साथ आता है, जो कि एक वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट IP रेटिंग है, बट भाई काफी वीडियोस के अंदर और आर्टिकल्स के अंदर ये भी है कि इसके अंदर कोई IP रेटिंग नहीं है, तो इस चीज में ना हम खुद कंफ्यूज हैं, यहां तक कि ओप्पो वाले खुद कंफ्यूज हैं। अब उस पार्ट की बात कर लेते हैं जहां ये भाई सीधा एडवांटेज ले जाता है, वो है इसकी बैटरी। इसमें 4300 mAh की बैटरी मिलती है, सैमसंग कंपैरिजन में 500 mAh बैटरी ज्यादा है, और ऊपर से भाई सैमसंग चार्जर भी नहीं देता है, चार्जर भी देता है, और सैमसंग के फ्लिप फोन के अंदर ना मैक्सिमम 25 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग होती है। फास्ट चार्जिंग बोलते हैं 25 वोल्ट को नहीं लेकिन इसके अंदर 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और भाई बॉक्स के अंदर 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, तो बैटरी डिपार्टमेंट में डेफिनेटली भाई ये वाला फ्लिप एडवांटेज ले जाता है। तो ऑल ओवर जितना हमने इस फोन को यूज कराया, अभी इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही फ्लिप आते हैं, एक सैमसंग की तरफ से, दूसरा ओप्पो लॉन्च करने वाला है कल को, और यहाँ पर देखा जाए तो काफी मायनों में ओप्पो सैमसंग से बेहतर है। सिर्फ कैमराज में भाई सैमसंग एडवांटेज ले जाता है, और यहाँ पर ओप्पो ने पार्टनरशिप भी किया हैसलब्लाड के साथ, उसके बाद भी ये हाल है। तो आप बताना क्या आप 80,000 प्लस में ओप्पो का फ्लिप फोन लेना पसंद करोगे या सैमसंग की तरफ जाओगे। बाकी मैंने सुना है कुछ कंपनियां जो बजट फोन बनाती हैं वो भी फोल्ड और फ्लिप फोन लाने वाली है, वो भी बजट के अंदर 2023 के एंड तक देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उनका भी वेट कर सकते हो मेरी तरह। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मेरा नाम है पीयूष, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे भी कर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैगस वगैरह टू वॉच आउट, वी सी इट इन विद द एचपीएन बॉक्स गाइस।